आई गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैम्बर इन कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हाट इज कैम्बर? अगर ये वर्ड सुन लिया है तो ठीक है, नहीं सुना है तो इस वीडियो में आज मैं वो चीज क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली कैम्बर इज अ स्लाइटली कर्व्ड और बैंड, मैं इस तरह से कर्व होता है या फिर एक तरह का बैंड बोल सकते हो उसको, कहाँ यूज करते हैं, डिस्क्राइबिंग टाइप ऑफ आर्च ट्रस और बीम। आर्च ट्रस और बीम में इसे हम प्रोवाइड करते हैं। ये एक सिविल से रिलेटेड टर्म है। अगर सिविल इंजीनियर बन चुके हो और साइट पर छा चुके हो तुम्हें आइडिया है कि बीम क्या होती है, ट्रस क्या होते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट किस तरह से आता है, लोड किस तरह से लगता है, तो ये इजीली समझ आ जाएगा। अगर नहीं तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ समझ आ जाए। बेसिकली कैम्बर क्या होता है? कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी बीम में, ट्रस में, आर्च में, कि जब उसके ऊपर लोड आए तो वो जो स्ट्रक्चर है अपनी एग्जैक्ट जगह पे आ जाए लोड के बाद। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, कैम्बर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो लोड की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है बीम में, तो इसलिए हम कैम्बर उसमें प्रोवाइड करते हैं। अब कैम्बर कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हैं स्टडी मटेरियल फॉर यू पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कैम्बर एड एन एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर। जो कैम्बर होता है वो स्ट्रक्चर को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो मैं ऊपर एक डायग्राम दे रहा हूँ, इस डायग्राम के अंदर देखो, इसमें जो मेरी बीम थी उसकी कुछ भी परफेक्ट साइज में मैंने इसको बनाया, तो उस पर उसकी वजह से क्या हुआ, लोड पड़ा, लोड की वजह से इस तरह से डिफ्लेक्शन आ गए। और इस सेकेंड वाले के अंदर देखो, इसके अंदर क्या है कि मैंने पहले इसमें कैम्बर प्रोवाइड किया, कैम्बर प्रोवाइड किया तो हल्का सा इसके अंदर जो कर्व है ना, इस कर्व को ही अपन कैम्बर बोलते हैं। तो उस कैम्बर की वजह से क्या हुआ, जब लोड आया तो लोड की थोड़ी सी ऊपर थी, लोड की वजह से कैम्बर के नीचे चला गया और ये एग्जैक्ट आफ्टर कास्टिंग, ये एग्जैक्ट जो लोग मुझे जो चाहिए था, मतलब किसी तरीके का इसके अंदर डिफ्लेक्शन और बैंड नहीं आया, दिस इज कॉल्ड कैम्बर। सो कैम्बर यूज इन लॉन्ग स्पान विद द पर्पस ऑफ काउंटरिंग डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, मतलब लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है उसको काउंटर करने का काम करता है कैम्बर। तो सिंपल भाषा में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कैम्बर और व्हाई वी प्रोवाइड कैम्बर, तो लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है बीम में उसको काउंटर करने का काम करता है कैम्बर। यूज इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, मतलब जहां लार्ज स्पान होते हैं, लंबे लंबे स्पान जाते हैं, जैसे ब्रिज के अंदर लंबे लंबे जाते हैं, तो वहां पर लोड आता है, लोड की वजह से स्पान में डिफ्लेक्शन आ जाता है, तो उस डिफ्लेक्शन को काउंटर करने के लिए अपन उसमें कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। ये एक डायग्राम जो और समझाता हूँ, देखो ये मेरे कॉलम है, कॉलम के बीच में ये बीम थी, फिर ये कॉलम, इसके बीच में बीम, इस तरह से इधर भी कंटिन्यू, इधर भी कंटिन्यू। तो मैंने क्या किया, ये मेरी जो है डॉट डॉट वाली जो चीज है ना, ये मेरी एग्जैक्ट बीम की साइज है, ये डॉट डॉट वाला, मतलब यहां मेरी बीम आनी चाहिए थी, बट मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ये एक कैम्बर प्रोवाइड कर दिया, हल्का से कर प्रोवाइड कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा, अब जब कॉन्क्रीटिंग होगी ऊपर से और लोड आएगा, तो लोड की वजह से क्या है, आफ्टर कास्टिंग ये कुछ इस तरह से दिखेगा परफेक्ट, मुझे ये जो डेस्ट डेस्ट है ना, ये मतलब उस लोड की वजह से नीचे आ जाएगा और ये एग्जैक्ट मेरी बीम जो है मुझे मिल जाएगी। अगर कैम्बर में प्रोवाइड नहीं करता तो फिर ये क्या करता, लोड की वजह से नीचे आती, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ नीचे से इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता, तो उस डिफ्लेक्शन को अवॉइड करने की वजह से ड्यू टू लोड अपन कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल ये कि कैम्बर कितना प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एल अपॉन 260। तो फॉर अगर एल मतलब उसकी जो लेंथ हो गई, स्पान की लेंथ हो गई, मान लो मेरे स्पान की लेंथ 5 मीटर है, ठीक है, और ये 5 मीटर को मैं एमएम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 5000 mm डिवाइडेड बाय 260, तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आया 19.6, मतलब लगभग 20 mm, तो मतलब मैं 20 mm का यहाँ पर कैम्बर प्रोवाइड करूंगा अगर मेरा स्पान 5 मीटर का है। यही मेरा स्पान 3 मीटर 2 मीटर का होता तो यहाँ पुट करता, डिवाइड करता, वैल्यू जो भी आती उतना mm हमें कैम्बर प्रोवाइड करना है। अभी वैसे क्या कारण है कैम्बर प्रोवाइड करना, तो टू काउंटर डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है उसको काउंटर करने के काम आता है। अगर बीम का स्पान लंबा है तो और अगर ब्रिज है तो ब्रिज में तो हम खैर से प्रोवाइड करते हैं, और अगर बीम का स्पान हमारा लंबा है तब भी हम इसमें कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, और अगर छोटे छोटे होते हैं स्पान तब हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर इसका स्पान छोटा है, बहुत छोटा है, तो लोड है वो कॉलम ले लेंगे और ये भी लोड ले सकता है, इसलिए इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इस बीम का स्पान लंबा है 4 मीटर 5 मीटर का, तो कॉलम के बीच में ये जो लोड बहुत ज्यादा इस बीम के ऊपर आने वाला था, ऐसे में हम उसके ऊपर कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये वीडियो में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज कैम्बर, कहाँ इसको प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ समझ में आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करें स्टडी मटेरियल फॉर यू। थैंक यू सो मच।